दोस्तों अभी अभी वीवो ने वीवो एक्स फोल्ड 2 को लॉन्च कर दिया चाइनीज मार्केट में। और दोस्तों जैसे ही लॉन्च किया तो उसका प्राइस वगैरह बाहर निकल के आ चुका है, इनका क्या कुछ प्राइस होने वाला है, क्या कुछ इसका स्पेक्स है, और दोस्तों कब तक इंडियन मार्केट में आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा, तो दोस्तों क्या कुछ प्राइस होने वाला है इंडियन मार्केट में, और दोस्तों क्या इसका वेट करना चाहिए आप लोगों को लेने के लिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है किस तरह का फोन है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किस लिए लेना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो करते स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कुमार पंकज टैग। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं वीवो एक्स फोल्ड 2 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसका स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं, उनके बाद जानेंगे क्या कुछ प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले जो मिलता है, आपको दो डिस्प्ले मिलता है, ये फोल्ड फोन है इसलिए इसमें दो डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों इसका बड़ा वाला डिस्प्ले की बात करें तो ये आपको 8.03 इंच का 2K वाला AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है। डिस्प्ले में कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा यूज किया गया। और दोस्तों 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। और दोस्तों सेकेंडरी की बात करें, यानी कि दूसरा डिस्प्ले जो छोटा डिस्प्ले इसकी बात करें, तो आपको ये जो है 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि ये भी 2K वाला डिस्प्ले होने वाला है। और दोस्तों इसमें भी रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों आगे की बात करें इसके कैमरा वगैरह की, तो देखिए सेल्फी कैमरा, यहाँ पे दो सेल्फी कैमरा यूज किया गया है, जो कि फोल्ड से पहले भी होने वाला है और दोस्तों फोल्ड के बाद, यानी कि दोनों स्क्रीन में आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का, जो कि पंचुअल स्टाइल के साथ होने वाला है। तो सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा यूज किया गया है, सेल्फी कैमरा में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं। और दोस्तों बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड कैमरा होने वाला है। और दोस्तों इसका बैक साइड का प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि ऑप्टिकली इमेजेस के साथ आपको मिलने वाला है। और सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो ये आपको 12 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। और थर्ड कैमरा की बात करें तो ये भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलने वाला है पोर्ट्रेट लेंस के साथ, जो कि दोस्तों पोर्ट्रेट लेंस होता है इसमें बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड आपको जो है कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाता है, यानी कि फोटो क्लिक करके बहुत ही अच्छा देता है, ट्रस्टेड फोटो क्लिक कर देता है। और दोस्तों इसमें वीडियो रिकॉर्ड की बात करें तो 4K तक का आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। और दोस्तों अब आगे बात करें इसका बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी आपको 4800 mAh का बैटरी मिलने वाला है। साथ ही इसका चार्जर की बात करें तो 120 वाट का चार्जर मिलने वाला है, जो कि सुपर फास्ट होने वाला है, टाइप सी पोर्ट के साथ मिलने वाला है चार्जर। तो दोस्तों चार्जर में बैटरी में कोई तरह का किंतु परंतु नहीं होने वाला है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड यूज किया गया। और दोस्तों इसका बात करें प्रोसेसर की, तो दोस्तों सबसे मेन चीज फोन का होता है प्रोसेसर, जब तक पावरफुल प्रोसेसर नहीं रहेगा तो फोन कोई काम का नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर जो है बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड यूज किया गया है, क्वालकॉम के तरफ से आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, इसमें कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है, गेमिंग वगैरह भी अच्छा खासा कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और दोस्तों इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, जो कि दोनों ही डिस्प्ले में आपको मिलने वाला है, बड़ा डिस्प्ले में भी छोटा डिस्प्ले में भी, दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। और 3.5 mm जैक जो है ये मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें जो है आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों ये था फोन के पूरे एस्पेक्ट्स की कहने वीवो एक्स फोल्ड 2 की। तो दोस्तों आपको सारा चीज़ तो समझ में आ गया, एस्पेक्ट्स वगैरह पूरा समझ में आ गया, तो अब बात कर लेते हैं इनका प्राइस पॉइंट की, क्या कुछ इनका प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया चाइनीज मार्केट में। और दोस्तों बेस्ट वेरिएंट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको प्राइस कितना कुछ लगता है। तो सबसे पहले बात करें आपको 12 GB रैम मिलने वाला है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका कि हमें चाइनीज मार्केट की बात करें तो 9999 योन प्राइस रखा गया है इसका चाइनीज मार्केट में। अगर इसको इंडियन मार्केट में अगर कन्वर्ट किया जाए या इंडियन रुपए में, तो दोस्तों इनका प्राइस आ जाता है लगभग की 1,19,500 रुपया, यानी कि मान के चल सकते हैं कि 1,20,000 रुपया। तो दोस्तों इतना अगर इसका चाइनीज मार्केट में प्राइस है, तो दोस्तों अगर इंडियन मार्केट में ये फोन आता है तो लगभग इसका प्राइस की बात करें तो 1,50,000 तक, यानी कि 1,50,000 से 45 से 50,000 तक इसका प्राइस होगा इंडियन मार्केट में। और दोस्तों वीवो की तरफ से ये फोन लॉन्च किया जा रहा है, और दोस्तों वीवो पे बहुत लोग ट्रस्ट भी नहीं करते, इसलिए दोस्तों ये वीवो ने जो है तैयारी नहीं कर रहा है कि इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं चाहिए करना चाहिए, इसके बारे में कोई भी अभी खुलासा नहीं किया गया। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट में आने ही वाला नहीं है फोन, क्योंकि दोस्तों इतना महंगा फोन वीवो की तरफ से कोई नहीं लेने वाला है। और थोड़ा बहुत अगर प्राइस और लगाता है तो फोल्डेबल फोन सैमसंग का ले लेगा, सैमसंग का भी अच्छा खासा फोन आ जाता है। तो दोस्तों जो भी आपको जानकारी देना चाहते थे वीवो एक्स फोल्ड 2 से रिगार्डिंग, तो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।